अब मेरे को क्यों कर रहे तुम डिस्टर्ब, ऐसा थोड़ी होता है। ऑनलाइन में वो करते हैं और अंगूठा से घस 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 खाते हैं। सनसनीखेज खुलासा, अमित सिंह अधिकारी की आंखों में आए आंसू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस 7:30 बज चुके हैं सुबह के, एंड अमित गए हैं तन्वी को छोड़ने के लिए स्कूल। और बस मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर, ये पी रही थी। मेरा ये पता है, सुबह बना देती हूँ 6 बजे, तब से अभी तक पी नहीं पाती हूँ क्योंकि उसके पीछे लग जाती हूँ, तो काम में बस बिजी। और अभी इतना ठंडा हो चुका है ना, अब ठंडा ठंडा पानी पीना पड़ रहा है। फिर उसके बाद अमित के लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि 7:45 पे वो भी निकल जाएंगे और अभी 22 हो रहा है। सो गाइस, दिन के 12 बज चुके हैं एंड मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो मैं उससे बातें करने में रह गई। दादी से मैंने 2-3 दिन से वादा किया था कि उनकी कुछ वो कहना चाह रही थी, उस बारे में उनका वीडियो बनाऊंगी, पर नहीं बना पाई। आज दादी वो यहीं आ गई है, ठीक है, दादी यहीं पहुंच गई है। और अपना ना क्या दिखाने लेकर आई है, ये भी देखो जरा, ये दिखाओ दादी, दिखाओ, देखो ये है, ये रेडियो लेके यहीं पहुंच गई दादी। ऐसा है कि आजकल फोन है, हो गए लोगों में फोन, हो गए वैसे फोन हो गए कि जो सबको दिखता है, सबको दिखता है। अब मेरे में तो कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं है। ये बटन वाला फोन है, ये बटन वाला फोन है, ये रेडियो है। मैं पुराना जमाने की दादी का दादी का साथी, बुढ़ापे का साथी, बुढ़ापा की साथी हूँ मैं। हर मेरे में ये रेडियो है, इसी रेडियो से मैं काम भी करती हूँ, इसी रेडियो से सोती भी हूँ। ये भी तो बताओ दादी, कॉलोनी वाले चलाने ही नहीं देते अकेलो। ये भी बताओ, ये चलाने देते कॉलोनी वाले? बोलते हैं कि हमारा डिस्टर्ब कर दिया, हमारा फोन डिस्टर्ब कर दिया, और हमारा ये अलाना डिस्टर्ब कर दिया, फलाना डिस्टर्ब कर दिया। अब मैंने कहा तुम मेरे रेडियो को क्यों कर रहे डिस्टर्ब, अब मेरे को क्यों कर रहे तुम डिस्टर्ब, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम तो ऐसा है, तुम तो नए जमाने के, हमें तो पुराने जमाने के। सबके पास तो फोन है, फोन देखते हैं, दादी के पास रेडियो, तो रेडियो तो चलाएंगी। सबके पास फोन है, ऑनलाइन चलाते हैं, ऑनलाइन में वो करते हैं और अंगूठा से घस घस घसकाते हैं। और मैं रेडियो से हाथ से वो चलाती हूँ, उसका कान मरोड़ती हूँ रेडियो का, अपना मस्त रहती हूँ। क्या करें, नहीं रहने देते, नहीं रहने देते। अब ये है, अब सब मेरे को परेशान करते हैं रेडियो के बारे में, अब मैं क्या करूं, अब मैं पुराने जमाने की वो हूँ। बस ये रेडियो को देख लेना, ये फोन को देख लेना, बस यही हूँ मैं। उत्तराखंड की जय, उत्तराखंड जय भारत। तो गाइस दिन के 4 बज चुके हैं एंड मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, फोन चलाती थी थोड़ी देर। मैंने कहा चलो कल संडे है तो सो नहीं रही हूँ तो कोई बात नहीं। तो ये मैडम लग गई, यहाँ देखो जरा, ये देख रहे हो बिस्तर में, देखो टुकड़े देखो, क्या कर रही हो, पता नहीं क्या बना रही है। कलर देखो निकाल निकाल के, सारे कलर से क्या कर बना, क्या रही हो तन्वी, ये बताओ। अच्छा मून के साथ स्टार बना रही हो, और फिर क्या करूँगी उन मून स्टार को बना के? अच्छा ये है सब मून, और मून ये है कि स्टार है? अच्छा मून ये है। तो गाइस देखिए ये है मून, वाह बहुत सुंदर, स्टार दिखाओ। हाँ उठाओ इनको सबको, एक एक टुकड़ा उठा के सब फेंको। बना दूंगी मैं स्टार, बना दूंगी, पहले इन सबको पिलो, यहाँ से हटाओ। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ जिम। तनु इतने परेशान करती है ना आजकल जिम आने के लिए, अब कल छुट्टी है तो मुझे कहती ले चलो ले चलो, तो बड़ी मुश्किल से मना मुना के घर छोड़ के आई हूँ। फिलहाल 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ। ठीक है, शाम के रात के 8 हो गए और यहाँ मिस अधिकारी रो रहे हैं। रो क्यों रहे हो भाई, हेलमेट पहन लो तुम भी। तो गाइस सनसनीखेज खुलासा, अमित सिंह अधिकारी की आंखों में आए आंसू। ओहो तुम मेरे को याद कर रहे थे इसलिए रो रहे हो क्या? तो गाइस यहाँ ऐसा हो रहा है कि प्याज कट रहा है, ठीक है, तो बन रहा है चिकन। तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ खिचड़ी की तरह बना देती हूँ, चावल और चिकन डाल के एक साथ पका देती हूँ। नहीं बल मैं बनाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो मैं लहसुन छिलने में लगी हूँ, टाइम लगता है लहसुन छिलने में, तो अपना कर रहे हैं प्याज कटे, और प्याज काटते करते रो रहे हैं, ठीक है। तो आज बनेगा अमित सिंह अधिकारी के हाथों से लजीज, एकदम टेस्टी, लबाबदार चिकन। टमाटर भी यही है टोकरी, मिर्ची की टोकरी के पीछे, मिर्च की टोकरी भी निकाल लो। और ये क्या छोटी ब्लॉगर हमारी, हमारी ब्लॉग बनाते हुए, बड़ी ब्लॉगर हो, ब्लडी 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 ब्लॉगर बुलाते, बड़ी ब्लॉगर नहीं, बड़ी ब्लडी।
किसको बोला ब्लडी? तुझे? ओ, मेरे को नहीं बोला। तो तुमने मुझे बोला ब्लडी? बड़ी बोला, बड़ी। बड़ी बोला उसने। ब्लडी? बड़ी। पापा ज्यादा सुनते ना तनु। तो गाइस यहाँ टमाटर कटिंग हो रही है, प्याज कटिंग हो चुकी है, मैं लहसुन छिल लिया है, अभी थोड़ा और लहसुन छिलती हूँ। तब तक टमाटर काटोगे तब तक छिल लोगे। चिकन दो टमाटर बनाओ आज। लोग प्याज बनाते लोग बनाते हैं चिकन दो प्याज, तुम बना चिकन दो टमाटर, ठीक है? चिकन दो टमाटर बस इतना ही काटो, दो टमाटर बस। तो गाइस सीरियस मूड में है, अभी खाना वाना बनाते हैं, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? गाइस एकदम खतरनाक वाला वो आ रही है, खुशबू आ रही है, और खतरनाक खुशबू तो आती है, मेरा खतरनाक किचन भी हो जाता है यार। देखो वो कैसा कर दिया कुकर, कैसा कर दिया किसी गिरा कैसा कर दिया, फोन भी खतरनाक हो जाएगा। वाह मजा आ गया। ऐसा ऐसा एक संडे भी होना चाहिए, एक सैटरडे भी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ एक सैटरडे एक संडे ऐसा ही रहे जिस दिन तुम बनाओ और हम खाएं। और कुछ भी कहो, चिकन तो A1 बनाते हैं मिसिंग अधिकारी। खाली तारीफ भी कर देती हूँ ताकि अगले दिन भी बनाना पड़े। टेक्निक आज टेक्निक नहीं बताई आज आपने, आज आपने अपना नुस्खा नहीं बताया। एक नुस्खा बता जाओ हमारे दोस्तों को कि चिकन टेस्टी कैसे बनेगा। नुस्खा ये है ना, नुस्खा जी। रात के बज चुके हैं 10:15 एंड अभी जस्ट खाना ना खाया हम लोगों ने। खाना ना खा के बर्तन धो के बिल्कुल जस्ट अभी आ रही हूँ मैं। और क्या गजब का चिकन बनाया था यार, पता नहीं बनाते सेम ही है, हम मैं भी वही डालती हूँ, हमें भी वही डालते हैं, पर आदमियों का हाथ का टेस्ट बड़ा है, गजब हो जाता है। फिर ऐसा भी लगता है कि जो रोज़ बनाओ ना तो दूसरा कभी बनाता है ना उसका हाथ का टेस्ट ही अच्छा हो जाता है। सो फिलहाल अभी 10:15 बज चुके हैं, 9:46 हो गया है। एंड तन भी सो चुकी है, उसने खाया और तुरंत उसको नींद आ गई क्योंकि दिन भर थक जाती है, सोई भी नहीं थी जैसे। सो चाहती हूँ थोड़ी देर वॉक वॉक करती हूँ, उसके बाद बस सोते हैं, ठीक है? तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद तो लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।